हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अपने चैनल पर कार्टून वीडियो को कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो विदाउट कॉपी एड के, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा शॉर्टकट गजब का तरीका बता रहा हूँ जिससे कि दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर सिंपली यहाँ पर कार्टून वीडियो को दूसरे की कार्टून वीडियो को लेकर फ्रेंड्स आप अपने चैनल पर री अपलोड करके अपने चैनल को मोनेटाइज करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो, वो भी विदाउट कॉपी एड के। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा और इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको उसको फॉलो करना होगा, तभी दोस्तों आप दूसरे की कार्टून वीडियो को सिंपली अपने जेब पर कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो विदाउट कॉपी एड क्लेम्स के। तो देखते रहे इस वीडियो को एंड तक। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे वीडियो में आप आपको जो भी कुछ बता रहा हूं फ्रेंड्स आप यहां पे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या फ्रेंड्स, यहां पर देखो अगर आप यूट्यूब पर आएंगे यहां पर आप सर्च करेंगे सिंचन कार्टून, तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो कि आपके सामने यहां पर सिंचन कार्टून वीडियो के काफी सारे एपिसोड आ जाएंगे और फ्रेंड्स यहां पर आप इनके हर एपिसोड पर देख सकते हो कि यहां पर लाखों मिलियंस में व्यूज है। यहां पर आप इनके हर एपिसोड को यहां पर चेकआउट कर सकते हो कि इनके सभी यहाँ पर जो भी एपिसोड है फ्रेंड्स इस पर लाखों में मिलियंस में व्यूज है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस तरीके की कार्टून वीडियो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा पॉपुलर कार्टून वीडियो है और दोस्तों यूट्यूब पे इसको काफ़ी ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का यहाँ पर फायदा उठा सकते हो फ्रेंड्स, आप इस तरीके की कार्टून वीडियो को सिंपली यहाँ से लेकर अपने चैनल पर रीअपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके बीच में आपको यहाँ पर ट्रिक को लगाना जरूरी है, तभी दोस्तों आप इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर रीअपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। वरना दोस्तों आपके वीडियो पर कॉपी एड पड़ सकता है और आपके चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है जिससे कि दोस्तों आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में आपको जो भी कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसको फॉलो करना होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके की कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक गलती नहीं करना है, जो कि यह है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरीके की कार्टून वीडियो को यहाँ पर आपको डायरेक्ट सर्च करके इनके वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पर डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है। दोस्तों यहाँ से आप इन सब वीडियो को यहाँ से लिख कर अपने चैनल पर डायरेक्ट अपलोड मत कीजिएगा। दोस्तों इसके बीच में आपको अपनी क्रिएटिविटी को इसमें ऐड करना है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको अपने वैल्यू को ऐड करना है, इसमें आपको एडिटिंग करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंचन कार्टून वीडियो को सर्च कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर्स का, सिंपल सा फिल्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आ जाना है फीचर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आने के बाद से आपको क्रिएटिव कॉमन्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल सा इस पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप क्रिएटिव कॉमन्स के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देंगे, अभी आपके सामने यहाँ पर सिंचन कार्टून के जो भी यहाँ पर एपिसोड आ रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी क्रिएटिव कॉमन्स एपिसोड है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सभी कॉपीराइट फ्री एपिसोड है। आप इसको यहाँ से इजीली लेकर फ्रेंड्स अपने चैनल पर यूज कर सकते हो, आपकी वीडियो कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको लेने के बाद से फ्रेंड्स आपको इन सब एपिसोड को भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इन सब कार्टून वीडियो को यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपको इसमें एडिटिंग करना है, फ्रेंड्स आपको इसमें एडिटिंग करना है और फिर उसमें आपको अपने वैल्यू को ऐड करना है। फिर अगर आपको पता नहीं कि फिर आप इस तरीके की कार्टून वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हो जिससे कि दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए, तो फिर इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाकर पहले से अपने चैनल अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्लिक करके डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ पर आप सीख सकते हो। तो फिर इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर आप इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पर आप सीख लीजिए कि और दोस्तों वहाँ पर आप सीख लीजिए कि फ्रेंड्स किस तरीके से आपको अपने सिंचन कार्टून वीडियो को एडिट करना है और उसके बाद से आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा 100% गारंटी कि फ्रेंड्स अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस तरीके की कार्टून वीडियो को फ्रेंड्स आप यहाँ पर एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आएगा। तो दोस्तों जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी इस वीडियो में बस इतनी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका हो फ्रेंड्स आप किस तरीके से दूसरे की कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर रीअपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जाकर उस वीडियो को देख लेना और उसी तरीके से इस वीडियो को अपने अपलोड करना है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे नाल हर न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।